गीतों की गंगा में आओ नहाएं, प्रभु प्रेम लहरों में लहराते जाएं, जुड़ते सहस्तार मन के प्रभु से, आपकी फरमाइश में हम आपको बुलाएं, आपको बुलाएं। ओम शांति, नमस्कार प्यारे साथियों। म्यूजिक गॉडलीवुड के बेहतरीन शो में आपकी फरमाइश में मैं ब्रह्मा कुमार सतीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं और गीत और संगीत के इस सुहाने सफर में प्रथम पड़ाव पर। ओम शांति सतीश भाई, मैं कामिनी बहन बोल रही हूँ पटियाला पंजाब से। मेरे को ये गीत बहुत अच्छा लगता है, पर मातम प्यार के पंछी नीले गगन में उड़ जाएं। कृपया ये सुना दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो सबसे पहले कामिनी बहन पटियाला से, आपने बहुत सुंदर से गीत की फरमाइश की है। गीत के बोल हैं, पर मातम प्यार के पंछी नील गगन में उड़ जाए। बहुत प्यारा सा गीत है, सुनिए और उनके साथ आप भी उड़ान भरिए। पंछी नील
प्यारे साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं हमारी आदरणीय शशि प्रभा बहन। आप बहुत सुंदर सा गीत लिखती भी हैं। आपका लिखा हुआ ये गीत है परमात्म प्यार के पंछी, और इसको संगीतबद्ध किया है श्याम सदरांगणी जी ने, और साथ दिया है उनका ग्रीश वाधवानी जी ने। बहुत प्यारा सा गीत बन गया जिसको पामेला जैन जी ने गाया है। परमात्मा के प्यार के पंछी बनकर वतन तक जाएं, ऊंची उड़ान भरें, देह और देह की दुनिया से पार उस अव्यक्त का अनुभव करें, यही इस गीत का संदेश भी है। प्यारे साथियों, चलते हैं सात समंदर पार। हाय, दिस इज जय भाई कॉलिंग फ्रॉम लंदन। आई वुड लाइक टू लिसन बाबा सॉन्ग, एक तेरा संग हो बाबा मेरे तो जीवन है मेरा सदा बेफिकर। थैंक यू, बाय। ब्रह्मा कुमार जय भाई लंदन से बहुत सुंदर से गीत की फरमाइश करते हैं, और गीत के बोल हैं, एक तेरा संग हो बाबा मेरे। बहुत प्यारा सा गीत है, सुनिए।
तेरा पल पल रखते हो मुझ पे नजर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। प्यारे साथियों, इस गीत की रचना की है हमारे ब्रह्म कुमार रमेश जी ने और इसका संगीतबद्ध किया है सुधीर पाल जी ने और गाया है इसको तपू मिश्रा ने। बहुत सुंदर सा गीत बन गया है जो उमंग भी आता है और उड़ान भरने के लिए सही उत्साह भी आता है। तो ऐसे ऐसे गीत सुनिए और परमात्म प्यार के पंछी बन करके वतन में उड़ के जाइए। तो चलते हैं साथियों गीत और संगीत के सुहाने सफर में अगले पड़ाव पर। ओम शांति भाई जी, मैं खरगोन से पंकज भावसार बोल रहा हूँ। मुझे आपकी फरमाइश में बाबा तेरा बनने में जो सुख मिलता है वह गाना सुनना है। धन्यवाद। ब्रह्मा कुमार पंकज जी खरगोन से मध्य प्रदेश से बहुत सुंदर से गीत की फरमाइश करते हैं और गीत के बोल हैं बाबा तेरा बनने में सुख मिलता ही नहीं है। बहुत सा प्यारा गीत है, बहुत सुंदर सा गीत है, सुनिए। Thank you.
ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तमाम गीतों के प्रारंभिक दौर में इस गीत की रचना हुई और इस गीत की रचना की हमारे ब्रह्मा कुमार मोहन जी ने, इसको गाया है मीनू पुरुषोत्तम जी ने। मीनू पुरुषोत्तम जी ने फिल्मों के तमाम गीतों की गायकी प्रदान की है और बहुत सुंदर सी वो गाती भी हैं और उन्होंने तमाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गीतों को गाया भी। प्यारे साथियों, इस गीत के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये दादी जी ही नहीं और दादी जानकी जी ही नहीं बल्कि पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बड़ा पसंदीदा गीत है। कहते हैं जब कई वर्षों तक दादी जानकी जी विदेश में थीं और वहाँ से जब उनका आबू में आना हुआ, माउंट आबू में आना हुआ, तब जगदीश भाई ने इस गीत को बजा करके, बजवा करके इस पर नृत्य किया। सबने दादी जी का वेलकम किया। बड़ी अद्भुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रथम बार जब मैं माउंट आबू में आया, इस गीत को सुना तो भाव विभोर इतना हो गया कि मैं तो भूल ही गया कि अपने तन मन सबको भूल गया और खो गया। आज तक भी वो घटना, वो बातें, वो दिन, वो समय भूलता नहीं है, आंखों के सामने आ जाता है। तो ऐसे से गीत चिर अविस्मरणीय हो जाते हैं, चिर अविस्मरणीय हो जाते हैं। तो चलिए साथियों, गीत और संगीत के अगले पड़ाव पर। ओम शांति सतीश भाई जी, मैं हिरेन जबलपुर सेंटर से। मुझे ये गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है जिसके एक बोल हैं, प्रभु चिंतन करो। कृपया मेरे लिए गीत सुना दीजिए। ब्रह्मा कुमार हिरेन्द्र भाई जबलपुर से बहुत सुंदर से गीत की फरमाइश करते हैं और गीत के बोल हैं, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो।
की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। कविता कृष्णमूर्ति जी के द्वारा गाए हुए गीत को संगीतबद्ध किया है ब्रह्मा कुमार ओम व्यास जी ने और लिखा भी है ब्रह्मा कुमार महेंद्र जी ने। बहुत प्यारा सा गीत है और सचमुच ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहला जो दौर होता है वो यही होता है कि प्यारे साथियों प्रभु चिंतन करो। प्रभु चिंतन करेंगे तो प्रभु चिंतन में परमात्म दर्शन होता है, परमात्म प्यार की अनुभूति होती है और आत्मा को अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में, महान बनाने में मदद मिलती है। बहुत प्यारा सा गीत है, बहुत सुंदर सा संदेश है, आप सुनिए और प्रभु चिंतन में खो जाएं। तो साथियों चलते चलते गीत और संगीत के सुहाने सफर में हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ओम शांति। सतीश भाई जी, मैं प्रेम भाई अजमेर से बोल रहा हूँ। मुझे आपकी फरमाइश में प्रभु तुमको समर्पित करते हैं सुनना चाहता हूँ। ओम शांति भाई जी। ब्रह्मा कुमार प्रेम अजमेर से बहुत सुंदर से गीत की फरमाइश करते हैं और गीत के बोल हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु
प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तुही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा।
प्यारे साथियों, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कई ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत सुंदर सुंदर सी गीतों की रचना करती हैं। आजकल हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के ORC यानी ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में जो हमारा रिट्रीट है, वहाँ रहने वाली ब्रह्मा कुमारी सपना बहन ने इस गीत की रचना की है और इसको संगीतबद्ध किया है ब्रजेश जी ने और बहुत सुंदर सी गायकी प्रदान की है साधना जी ने। बड़ा प्यारा सा गीत है। गीत जितना प्यारा है उतना भाव भी सुंदर है और भाव का भाव यही है कि हम अपने जीवन को प्रभु के समर्पित कर दें तो आनंद से भर जाता है, सब कुछ मिल जाता है। सच पूछा जाए तो अध्यात्म की ऊंचाइयां हैं अपने जीवन को परमात्मा पर समर्पण कर देना, वही जो इस भाव को लेकर गीत लिखा गया है। तो साथियों, चलते चलते अब वक्त इजाजत नहीं देता है, हम आपसे विदा लेते हैं। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी ब्रह्मा कुमार सतीश जी के साथ, और हम ये सफर तय करते रहेंगे। आप अपनी फरमाइश वॉइस नोट्स के जरिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपकी फरमाइश अवश्य पूरी करेंगे। आपकी फरमाइश में देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपना प्यारा पसंदीदा चैनल म्यूजिक गॉडलीवुड और उसका बेहतरीन शो आपकी फरमाइश।